एक दिन अकबर के दरबार में दो शख्सियत एक दूसरे से झगड़ा करते हुए आए। दोनों व्यक्ति एक ही घोड़ा अपना बता रहे थे। एक कह रहा था कि घोड़ा उसका है और दूसरा भी वही दावा कर रहा था। अकबर बादशाह ने कहा, अगर दोनों ही अपने अपने को सही कह रहे हैं तो इसके फैसले के लिए बीरबल से पूछा जाए। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा, आप दोनों अपने अपने विचार रख चुके हैं, अब मैं फैसला करता हूँ। बीरबल ने घोड़ा लेकर एक बड़ा अखाड़ा बनवाया और दोनों व्यक्तियों से कहा, तुम दोनों घोड़े के दोनों तरफ खड़े हो जाओ और घोड़े के पैर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो। जो घोड़े को अपनी तरफ खींच लेगा वही इसका असली मालिक होगा। उद्धरण चिन्ह। पहला व्यक्ति बहुत जोर से घोड़ा खींचने लगा लेकिन घोड़ा जगह से हिला भी नहीं। दूसरा व्यक्ति, जो पहले ही देख रहा था कि घोड़ा तकलीफ में है, उसने छोड़ दिया और बोला, बीरबल जी, मैं घोड़ा नहीं चाहता, घोड़ा मेरा नहीं है, इसी आदमी का है। बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर की तरफ मुड़ा और कहा, महाराज, असली मालिक वही है जो अपने घोड़े की तकलीफ को समझता है, ये व्यक्ति ही घोड़े का असली मालिक है। अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धि और न्याय पर अखंड विश्वास जताया और सब लोग बीरबल के फैसले को मानने लगे।